सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नाई गांव में हुआ। उनका जन्म ही नारियों के हित के लिए हुआ। उन्होंने स्त्रियों से संबंधित विभिन्न अत्याचारों पर प्रतिबंध लगाकर स्त्रियों के और जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं शिवांगी मौर्य नमन करती हूँ। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। घर की लाडली क्यों पराई हो जाती है? धीरे धीरे सबसे छुपा कर पहन लेती है अकेलेपन की बेटियाँ। अपने सपनों को छोड़ मन आंखों में बसा लेती है बेटियाँ। बरसों से खिलखिलाए नहीं जिम्मेदारी की चादर ओढ़े सुकून की नींद को सराने रख सारी रात जागती है बेटियाँ। मायके से भेजे संदूक में किसी कोने में पड़ी है वे पितरी। छोटी छोटी चादर भी पोटली में बंधी है वही, इन्हें खोल आजादी से जीने को तरसती है बेटियाँ। शौक ने बहुत पहले ही जरूरत का चंगा ओढ़ लिया। आवास भी खनक ने भी अब साथ छोड़ लिया। मौसम चाहे जो भी हो बिना करण बदले ही अपने में खो जाती है बेटियाँ। एक दिन जब बेटी माँ बाप से जुदा हो जाएगी, अभी तो छोटी है, जिस दिन बड़ी हो जाएगी उनको मालूम हो जाएगी उसकी हैसियत, जिस दिन बैठ के वो डोली में विदा हो जाएगी। यूं ना कत्ल करो बेटी का वरना बहुत पछताओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। इतनी नफरत है बेटी से दिल से उसको उतार दिया। पैदा होने से पहले ही तुमने उसको मार दिया। प्रभु के आगे तुम्हें बताओ मुँह कैसे दिखलाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तुम कहाँ से लाओगे। जिनकी कोई औलाद नहीं वो कितना दुख सहते हैं। कम से कम बेटी ही होती लोगों के लिए कहते हैं। बेटी को ना समझने वालों सीधे नर्क में जाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी मेरी नसीहत तुम भी सुन लो। बेटी से संसार चला है, बेटी से ही प्यार मिला, बेटी से घर बार चला। बेटी के जैसे तुम भी बताओ ममता कहाँ से लाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी वो कहाँ से लाओगे। नारी तब तक प्यारी लगे जब तक वो बेचारी लगे। खोले जब अपने हक के लिए जुबान तो तेज धार वाली आ